सो वी वर डिस्कसिंग द सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी में जो हम कहते हैं कि जी ऑफ व्हाट कंसिस्ट सप्लाई ऑफ मनी, किस सेकंड किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, तो द फर्स्ट डेफिनेशन इज द सप्लाई ऑफ मनी इज M1, ठीक है। और M1 जो है ये ट्रांजेक्शन अप्रोच है। ट्रांजेक्शन अप्रोच ये होती है कि ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म है और ये इन द फॉर्म ऑफ कैश या मोस्टली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैश होती है, ठीक है। सो M1 में जो हमने कंसिडर कर लिया, कॉइन्स है, करेंसी नोट्स हैं और डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसको हम चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं। वो डिपॉजिट जो हम उसको हर वक्त कहीं भी किसी भी वक्त ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम M1 डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। फिर M2 डेफिनेशन की तरफ आ गए, M2 डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ देख लें इधर, तो M1 जो है ये द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। यहाँ पर क्या लिखा है, M1 द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल करेंसी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, ठीक है। इसमें पेपर मनी भी है और कॉइन्स भी हैं, यानी लोगों के पास जितना भी पैसा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं ये, और ऑल चेकेबल डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक, और जितना पैसा कमर्शियल बैंक के में पड़ा होता है, कौन सा चेकेबल, डिमांड डिपॉजिट्स, अच्छा तमाम पैसा नहीं, डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा जो हम उसको उसको एनी टाइम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रैवलर चेक, ट्रैवलर चेक कौन सी चीज़ होती है, ट्रैवलर चेक वो चीज़ है, ये जब भी कोई सफ़र पे जाता है, कोई विजिट्स पे जाता है, तो वो अपने लिए ट्रैवलर चेक बनाता है, ठीक है। ये ट्रैवलर चेक जो है ये एक किस्म की करेंसी होती है, चेक बनाता है 500, 1000, 500, 1000, इसके मुख्तलिफ अमाउंट के चेक होते हैं, ठीक है। सो ये यूजुअली ट्रैवलर्स बनाते हैं, ट्रैवलर चेक, तो इनको हम क्या कहते हैं, M1 डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। फिर M2 डेफिनेशन जो है, M2 जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा इसमें नियर मनी भी शामिल हो जाती है। इसमें M1 भी होता है, M1 भी होता है, M1, ठीक है। M1 के साथ क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जिस पे इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, ठीक है। याद रखो जो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स हैं M1 में, ज़रूरी नहीं है कि उस पर इंटरेस्ट रेट पे हो, ठीक है। वो यूजुअली करंट अकाउंट होते हैं। और इसमें M2 में जो है सेविंग डिपॉजिट्स, वो जिस पे इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट है और आपने ज़्यादा पैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है, तो जब ज़्यादा पैसे ड्रॉ करने होते हैं तो वो आपको बैंक आपको मना कर सकता है कि जी मेरे पास आज इतने पैसे नहीं हैं, आप ये कल आके ले जाएं। यानी सेविंग अकाउंट में अगर आपने और पैसे ड्रॉ करने हैं, सो यू हैव टू इन्फॉर्म द बैंक अर्लियर, आपने उनको अर्लियर इन्फॉर्म करना है कि भाई मैंने पैसे ड्रॉ करने हैं, मुझे इतने पैसे हैं, मुझे इसका बंदोबस्त करके दे, ठीक है। तो इसमें आपको वो फिर टाइम देते हैं कि जी आज आ जाएं, इतने टाइम आ जाएं, ये फिर आपको टाइम देते हैं, ये फिर कहते हैं कि जी हम आपके पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं, आप आ जाएँ, ठीक है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो हैं ये भी एक किस्म के डिपॉजिट्स हैं और इस पर भी इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, ये चूंकि अमेरिका की बात है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, इसमें मनी मार्केट क्या चीज़ है, मनी मार्केट जो है ये आपके तमाम वो इदारे हैं जो पैसों का बारो डिपॉजिट्स करते हैं, लेन देन करते हैं, डेट बारो करते हैं और लेंड करते हैं, और इस पर इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गए M2, इन सबको इकट्ठा कर लो तो M2 इज इक्वल टू M1 पर सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है, कैश डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और ये यहाँ पर लिखा है कि ये कितने से, $1,00,000 से कम होंगे, एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। मनी मार्केट में जितने भी आपके फंड्स होंगे तो उसको क्या कहते हैं, ये तमाम M2 डेफिनेशन में जाता है, ठीक है। इसने हमें शायद ने क्या लिखा है, M2 कंसिस्ट ऑफ M1 प्लस सेविंग, सेविंग बैंक अकाउंट्स, बैंक में जितने भी सेविंग अकाउंट होंगे, शॉर्ट टर्म पीरियड डिपॉजिट्स, वही ये एक ही चीज़ है, सेविंग बैंक अकाउंट और शॉर्ट टर्म पीरियड डिपॉजिट एक ही चीज़ है। ट्रेजरी बिल, अच्छा ट्रेजरी बिल क्या चीज़ है, ट्रेजरी बिल जो है ना, ट्रेजरी बिल, इसको टी बिल कहते हैं। टी बिल होता है गवर्नमेंट जब एडवांस करता है ना पैसे, लोगों से लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म को अगर गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत हो तो वो टी बिल इशू करता है। टी बिल जो है इसको ट्रेजरी बिल को यूजुअली टी बिल कहते हैं। टी बिल पे इंटरेस्ट रेट कमाया जाता है, लोग इसको इंटरेस्ट रेट कमाते हैं, ठीक है। और ये याद रखो इस पे रिस्क भी, यानी ये रिस्कलेस होता है क्योंकि गवर्नमेंट इसको इशू करती है, तो ये रिस्कलेस होता है, इस पे कोई ये नहीं है कि आपको वो होगा, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट रेट कमाया जाता है, हाँ गो के इतना इंटरेस्ट रेट इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट कमाया जाता है, ठीक है।
डिपॉजिट ऑफ मनी मार्केट, जिस तरह वो हो गया डिपॉजिट ऑफ मनी मार्केट, इसमें बॉन्ड भी शामिल है, शेयर भी शामिल है, ये तमाम इसको क्या कहते हैं, M2 डेफिनेशन हो गई। यानी शेयर, बॉन्ड, डिपॉजिट्स ऑफ मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म पीरियड अकाउंट, M1 इसको हम कहते हैं, इन तमाम को जमा कर लो M2, तो ये सप्लाई ऑफ मनी बन जाती है। क्या बन जाती है? सप्लाई ऑफ मनी बन जाती है। M3 डेफिनेशन जो है, M3 में M2 ले ले और लॉन्ग पीरियड टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। क्या होते हैं? M3 में क्या चीज़ शामिल है? M2 यानी M1 भी आ गया, M1 भी आ गया, ठीक है, M1 भी आ गया, और M2 में क्या, बाकी चीज़ें भी आ गई, M2 में M1 शामिल हो गया, ठीक है। यानी आपके जी करेंसी भी हो गई, कॉइन्स भी हो गए, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स भी हो गए, फिर सेविंग बैंक के साथ बैंक्स में सेविंग अकाउंट हो गए, शॉर्ट टर्म पीरियड डिपॉजिट हो गए, टी बिल्स हो गए, डिपॉजिट ऑफ मनी मार्केट हो गए, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, फिर लॉन्ग पीरियड टाइम डिपॉजिट्स, आपने जी 5 साल के लिए पैसे रखे हैं, 7 साल के लिए पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, यूजुअली लोग रखते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो इसमें जाते हैं, ठीक है। M2 में यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है, M3 में जो है ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म पीरियड डिपॉजिट्स पे जाते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड बैलेंसेस क्या चीज़ होती है? म्यूचुअल फंड बैलेंसेस ये हैं कि आप मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, मुख्तलिफ कारखाने हैं, वो उसमें अक्सर शेयर्स होते हैं, तो जब शेयर्स होते हैं तो वो कुछ प्रॉफिट डिवाइड कर लेते हैं और कुछ प्रॉफिट क्या कर लेते हैं, अनडिवाइडेड प्रॉफिट होता है, ठीक है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल, वो उनका क्या होता है, म्यूचुअल फंड बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, अनडिवाइडेड वो होते हैं, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें, इसको हम क्या कहते हैं, M3 डेफिनेशन। तो M3 में क्या हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड डिपॉजिट होते हैं। ये चीज़ें हो गई आप लोगों की सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी यूजुअली जो है, सप्लाई ऑफ मनी आपकी कंसिस्ट होगी, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो M1 भी हो सकती है, M2 भी हो सकती है और M3 भी हो सकती है, ठीक है। ये तीन डेफिनेशन हैं। M1 में आपकी यूजुअली करेंसीज होती हैं, ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म है, इसमें आपकी करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं। M2 में M1 भी हो गया, ठीक है, M2 में M1 भी हो गया और प्लस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, मनी मार्केट के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो गए, सेविंग अकाउंट्स हो गए, ठीक है, और M3 में M2 भी आ जाता है और साथ में आपके लॉन्ग टर्म जितने भी लॉन्ग टर्म के लिए लोगों ने पैसे रखे होते हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती हैं, तो वो भी इसमें आ जाती हैं। तो ये इसमें आ जाती हैं जी, क्या, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। अब इसको याद रखो, ये जो M1 डेफिनेशन है, C+D, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, इसको हम मॉनेटरी बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं मॉनेटरी बेस। सी और कैश, जितना भी करेंसी होती है, और डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी बेस कहते हैं, ठीक है। इट इज, ये लिखा है ना, द मनी सप्लाई M एज एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक इन द बैंक, इट इज शोन एज C+D, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी मॉनेटरी बेस कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मॉनेटरी बेस कहते हैं।